हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है थोड़ा सा एक बार फिर सिखिया आए पंजाब से। जिमें कि तुसी सारे जने स्ट्रेट लाइन देख रहे हो। स्ट्रेट लाइन का साडा लैक्चर नंबर 9th है, 9वां लैक्चर है, जिदे विच असी दो चीज़ां पढ़ने वाले हैं। एक असी सिखांगे कि डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन्स किवें कैलकुलेट किया जाता है। कि पढ़ांगे जी? डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन्स। दूजी चीज़ बारे डिस्कस करांगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। सब तो पहला आप गल करते हैं पैरेलल लाइन्स। तो बच्चों पैरेलल लाइन्स क्या होंगे ने? ओ लाइना जिन्हों के डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता, कॉन्सटेंट रहा, कदे नहीं बदलता किसी भी पॉइंट पर। ठीक है जी। ओके, हुण जिवें असी ऑलरेडी पहले लैक्चर से डिस्कस कर चुके, जो असी पैरेलल लाइना वाले पढ़िया सी, पैरेलल लाइना वो होंदिया ने जिन्हों के एक्स ते वाई का कोफिशिएंट नहीं बदलता। यानी कि अगर मैंने एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है जीरो लिखी है, मैं यदि अगर पैरेलल लाइन लिखनी है तो मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर है जीरो आ जूगी। ठीक है ना। हुण इस प्रश्न के मुताबक, इस कंसैप्ट के मुताबक मैंने दो पैरेलल लाइन दी है। देखो, फोकस करो, दोनों के कॉन्सटेंट अलग है, यानी कि पैरेलल लाइन आ रही, सेम लाइन नहीं है। इन्हों के अगर मैंने डिस्टेंस करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मेरे को क्या होगा? सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है जी। हुण इहदे उत्ते ही फोकस करते हुए थोनू सब तो पहला जो प्रश्न प्रैक्टिसली दिता है कि एरिया ऑफ स्केयर कढ़ना है, किसी स्केयर का एरिया कढ़ना है, जिहदियां साइडां थोनू ये दो दित्तियां हुई ने। हुण जेकर तुसी साइडां ते ध्यान नाल देखो तो दोनों पैरेलल ने, यानी कि मैंने ऑपोजिट साइड्स दित्तियां हुई ने किसी स्केयर दियां, एडजसेंट नहीं दित्तियां। ठीक है जी। नाल लगमियां नहीं दित्तियां, आमने सामने। अगर एक साइड 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर है जीरो है, तो दूजी साइड मेरे को 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर है जीरो। तो यदि जी साइड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगी, क्योंकि ये भी मैंने पता है कि अगर ये स्केयर है तो एंगल 90 का होंगे। तो यानी कि साइड जो है वो मेरे को डिस्टेंस के बराबर आ गई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने हूँ ही पिछली स्लाइड पर पढ़िया कि दोनों कॉन्सटेंट की सबट्रैक्शन, माइनस 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो बच्चे थोड़े को बनया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 मॉडुलस, तो थोड़े को आ गया 2 यूनिट। ये मेरे को साइड आ गई। तो एरिया किसके बराबर होंगे? एरिया बराबर होंगे साइड का स्केयर, किसी साइड का स्केयर, यानी कि 2 का स्केयर। तो एरिया मेरे को इस दिते हुए प्रश्न का एरिया कढ़ने का फॉर्मूला से एरिया का उत्तर आ गया 4 स्केयर यूनिट्स। ठीक है जी। यानी कि मैंने सब तो पहला इस प्रश्न की सोचना चाहिए सी कि मैंने दो पैरेलल साइडा दी हैं, तो अगर स्केयर की गल है तो दो पैरेलल साइड का मतलब बीच वाला जो डिस्टेंस वो मेरी साइड के बराबर है। जिथे मैंने ये गल समझ आ गई उत्थे मेरा प्रश्न बहुत ही सौखा हो गया। अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन टू लाइन। तो बच्चे थोड़े इक्वेशन ऑफ अ लाइन कढ़नी है इक्व डिस्टेंट, यानी कि जो दित्तियां हुई हैं दो लाइना दो बराबर दे डिस्टेंस से है। अगर एक लाइन मेरे को एल है, दूजी एल वन है, ये मान लो एल वन ए एल टू, ये विचों कोई लाइन पास कर रही है एल, जिदी इक्वेजन तुम्हें कढ़नी है जिसका डिस्टेंस बराबर होएगा। अगर ये डी वन है और इन्हें दोनों से डी टू है, तो प्रश्न के मुताबिक थोड़ा ये दिखते हैं कि डी वन जो है वो डी टू के बराबर होएगा। जेकर साइड आ पैरेलल ने, लाइना पैरेलल ने, तो मैंने दिखनिया चाहिए। तो मैं इन्हें दो तो मल्टीप्लाई करा तो 4x प्लस 6y माइनस 14 बराबर है जीरो। हूँ एग्जैक्टली पैरेलल दिख रही है। तो मेरे को अगर एक लाइन है 4x प्लस 6y माइनस 14 बराबर है जीरो, और दूसरी मेरे को बन गई 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर है जीरो। अगर तीसरी लाइन इन्हों के पैरेलल है तो हूँ ही मैं थोड़ा पैरेलल इक्वेशन की मैं बनूंगी 4x प्लस 6y प्लस के बराबर है जीरो। क्यों जी? तो इक्वेशन डी वन की बराबर आ जाएगा माइनस 14 माइनस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर मॉडुलस बराबर है डी टू डिस्टेंस कि बराबर आ जाएगा के प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर मॉडुलस। डिनोमिनेटर क्या? तो माइनस 14 माइनस के मॉडुलस जो निकलेगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के बराबर है प्लस माइनस के प्लस 5।
तो दो चीज़ों से ब्रेक होएगा डियर, क्या बनया? या तो 14 प्लस के जो है के प्लस 5 के बराबर होएगा, या फिर 14 प्लस के जो है वो माइनस के माइनस 5 के बराबर होएगा। के ते के कट गया तो इस वैल्यू नू तो मैं इग्नोर करना पड़ेगा, 14 5 के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो तुम कह रहे हो कि 2k बराबर है माइनस 19 के, तो बच्चे k की वैल्यू आ गई माइनस 19 बटे 2। तो देयरफॉर मेरी रिक्वायर्ड, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ l कि बराबर आ गई 4x प्लस 6y माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 0। तो मेरे जितते हुए प्रश्न की वो लाइन आ गई जी कि दित्तिया हुई हैं दो लाइन तो इक्व डिस्टेंट है, जाने कि मिडल दे विचों पास हो रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट बिटवीन दीज टू लाइन। सब तो पहले लाइना में ध्यान ना देखो, ये दिख रहे कि लाइन ना पैरेलल ने, बिल्कुल सही। तो मेरे को दो पैरेलल लाइन ने, एक लाइन आ गई दूजी लाइन आ गई, एक लाइन 2x प्लस y माइनस 3 बराबर है 0, तो दूजी लाइन है 2x प्लस y माइनस 5 बराबर है 0। एक कोई तीसरी लाइन है जो इधर इंटरसेप्ट बना के जा रही है, यानी कि इन्हों के बिच वाला इंटरसेप्ट होंगे कट, तो दो लाइन जिथे कट रही है तो वह लंबाई 2 के बराबर है, तो पास किसी पॉइंट 2, 3 चो हो रही है। सब तो पहले प्रश्न करन ली मैं इन लाइना दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर ला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जाने कि डी। तो बच्चे डी कि बराबर आ जाएगा मॉडुलस माइनस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट दे विच 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो थोड़े को बनया 2 बटे रूट 5 यूनिट्स। ठीक है जी, डी मेरे को आ गया 2 बटे रूट 5। तो यदा मतलब मेरी जो डायग्राम है बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 2 बटे रूट 5 है, तो जोड़ा 2 डिस्टेंस वो स्लांटिंग ही होना चाहिए, इतने कोई एंगल थीटा होएगा। तो अगर मैं ये बेस कर ला, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो बच्चे ए सी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर कि बराबर आ जाएगा ए बी के स्केयर के बराबर आ जाएगा। ए सी का स्केयर 4 बटे 5, बी सी का स्केयर कढ़ना है तो ये थोड़े को आ गया 4, यानी कि बी सी स्केयर बराबर है 4 माइनस 4 बटे 5, तो थोड़े को बनया बी माइनस 4 बटे 5। तो माई डियर बच्चा पार्टी, थोड़े को बी सी जो है वह कि बराबर आ गया, जो रूट लोंगे 16 का रूट 4, तो 4 बटे रूट 5 आ गया, ये वैल्यू आ गई 4 बटे रूट 5। हूँ जेकर इन्नी गल आ गई, हूँ जेकर मैं टैन थीटा कढ़ा, तो बच्चे टैन थीटा कि बराबर आएगा, टैन थीटा थोड़े को आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2 बटे रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 बटे रूट 5, तो थोड़े को बनया 1 बटे 2। ठीक है जी, हूँ सानू कढ़न की लोड़ है, सानू इस लाइन की स्लोप कढ़न की लोड़ है। अगर इस लाइन की स्लोप एम है और एदी क्लीयरली स्लोप मैनू दिख रही है माइनस 2 है, तो मैं कह सकते जो टैन थीटा है वह कि बराबर होंगे एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एम वन एम टू, यानी कि 1 बटे 2, एक स्लोप एम है दूजी माइनस 2 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एम। हूँ इनू हल करांगे, यानी कि बच्चों थोड़े को बनया 1 माइनस 2 एम जो मॉडुलस है वह 2 गुना मॉडुलस एम प्लस 2 के बराबर आ गया। जो असी इनू हल कर लगे तो साढ़े कोल किन्ना बनेगा जी, प्लस माइनस 1 माइनस 2 एम बराबर है 2 एम प्लस 4, इट मीनस 2 एम प्लस 4 बराबर है 1 माइनस 2 एम दे, या फिर 2 एम प्लस 4 बराबर है माइनस 1 प्लस 2 एम दे, इनू इग्नोर कर दो। ठीक है जी, तो थोड़े को बनया 4 एम बराबर है माइनस 3 दे, तो एम का मुल आ गया माइनस 3 बटे 4। बोलो बनी गल, हूँ जिस स्लोप आ गई पॉइंट पता है तो इक्वेजन क्या बन जूगी, y माइनस y1
बराबर है -3/4 एक्स -2। ये थोड़े जीते हुए प्रश्न का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। हुण सोच के देखो ये क्वेश्चन किन्ना लेंथी सी। ये तुम्हें डिस्टेंस भी लगाया, बहुत सारे कंसैप्ट तुम्हें सब तो पहला पर पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, फिर दूसरे से तुम पाइथागोरस लगा के उधर बेस कढ़िया, फिर तुम एंगल कढ़िया, फिर एंगल बिटवीन टू लाइनस लगाया, उस तो बाद इक्वेजन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ते हैविंग सम स्लोप, वो वाला फॉर्मूला लगाया। यानी कि 5-6 कंसेप्ट, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन मिक्सअप हो गया। अज द लास्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे अगर मैंने एक साइड दी हुई है a1x + b1y + c1 = 0, a1x + b1y + c2 बराबर है 0, और दूसरी साइड दी हुई है ax + by + d1 बराबर है 0, और इधर मैंने दिता हुआ है ax + b1 + d2 बराबर है 0। इस केस दे विच मेरा जो एरिया है पैरेललोग्राम दा किदे बराबर आएगा, मेरे को बराबर आएगा c1 - c2 d1 - d2 डिवाइडेड बाय m1 - m2, क्योंकि थोनू पता है कि अगर इस लाइन दी स्लोप m1 है और इस लाइन दी स्लोप m2 है तो इन्हां दी सबट्रैक्शन कर दो। तो साडे कोल हुण प्रश्न जो है ध्यान दो, एरिया पैरेललोग्राम करना है, चार साइडा दी हुई हैं। तो अगर देखो एक साइड दी हुई है x - 3y + 18 = 0, और दूजी मैंने दी हुई है x - 3y - 4 = 0, ठीक है भाई। और इधर मैंने दी हुई है 9x - 5y + 8 = 0, 9x - 5y - 14 = 0। तो बच्चों ध्यान देने वाली गल है, इस केस विच C1 मेरे को 18 दे बराबर है, C2 -4 दे बराबर है, तो जो मेरी स्लोप है M1 और मेरे को किदे बराबर आ जाएगी 1/3। उसी तरीके नाल जो इधर गल करांगे, D1 मेरे को 8 दे बराबर है, D2 मेरे को -14 दे बराबर है, तो जो मेरी स्लोप है M2 किदे बराबर आ गई 9/5। आओ फिर गल करिए मेरे को एरिया कि बराबर आ जाएगा मॉडुलस c1 - c2 18 + 4 d1 - d2 8 + 14 डिवाइडेड बाय m1 - m2 यानी कि 9/5 ला लो चाहे 1/3। हम इन हल करिए, थोड़े को बनया 18 + 4 = 22, 14 + 8 = 22 डिवाइडेड बाय 15 एलसीएम आऊगा जी, तो थोड़े को बनूगा 27 - 5 मॉडुलस। इट मीनस 15 × 22 थोड़े को आंसर बनूगा, 15 × 22 ते करो तो 220 से किया 22 से किया 220, 5 से किया 55, तो 220 + 55 220 + 110 = 330, तो इस दिते हुए पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एरिया आएगा 330 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो अज का एक कंसैप्ट सी जो असी डिफरेंट वे ना सीखा, तो असी अज की क्लास सीखा कि असी सीखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किमें कढ़ते, असी सीखा डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन्स किमें कढ़िया जाती, ठीक है जी। तो यही अगले कंसैप्ट ना मिलेंगे अगले लैक्चर के, तकली लाइक शेयर सबसक्राइब तो बनता है ना, जरूर बनता है जी, जबरदस्त जरूर करके ही जाओ, मैक्सिमम शेयर करो ताकि पंजाब के बच्चों तक एक अच्छे लेवल का कंटेंट पहुँच सके, वो अपनी लाइफ अगर बच सकन, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगले लैक्चर के अगले कंसैप्ट, अगला कंसैप्ट होएगा एंगल बाइसेक्टर। तब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो।